जिसे हम भारतीय नाग कहते हैं। तो आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आए नेतानगर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइल पत्थर की दुकान है। और यहाँ पे दो तीन वर्कर था जो कि अंदर था और वो काम कर रहे थे, इत्तेफाक से उसको सांप देखा गया है। तो अभी चलते हैं, सांप को निकालते हैं। और मेरे को मेन बात, ये भाई है अपना सुंदरपुर का, जो कि हमारे घर के बगल में ही है, लेकिन विवेक भाई के द्वारा ही मैं यहाँ पे पहुँचा, क्योंकि सुंदरपुर का है, इनके साथ कोई रिलेटेड होगा। इनको कॉल किया, इसने मेरे को कॉल किया, मैं तुरंत यहीं पे आया। तो निकालते हैं, टाइल पत्थर की दुकान है और गोदाम में आपको पता है कि सामान कितने सारे भरा हुआ रहता है। तब चलते हैं, निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली देख सकते हैं आप जहाँ पे आ रहा कहाँ पे कहाँ पे ये भाई है, गोडाउन में रहता है। यहाँ पे बंद करो, यहाँ पे वो शक्ति। अब मान लो एक वो हो गया कि भाई, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सांपों को निकालने के लिए कितना सारा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन सांप तो है कोबरा, दूसरा सांप तो कोई दिक्कत नहीं होता ना, इसको निकालना ही बहुत जरूरी है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा छाया हुआ है गोदाम में, ना कोई बात नहीं। आजा देव, कहाँ है? फाइनली आप देख सकते हैं टिकल्ड कोबरा, जिसे हम भारतीय नाग कहते हैं। और कितना जेड ब्लैक पूरा, तो निकालते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं कौन सा सा। तो फ्रेंड फाइनली यहाँ पे बैठा है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो फाइनली हमारा रेस्क्यू हो चुका है, चलते बाहर की तरफ, उसके बाद दिखाते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। तो फ्रेंड इतना टाइम हम लोग जमीन के नीचे ही थे और अभी ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि दो मंजिला के ऊपर जा रहे हैं ना, ऐसा लग ही रहा है ना। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉप है और कई लोग यहाँ काम करते हैं, और इत्तेफाक का हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। ओनर कहाँ है? ओनर तो फन दिखा था, फन देना अंकल। तो फ्रेंड्स, सांप एक ऐसा प्राणी है जो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जिसको अगर हम हिंदी में कहेंगे शीत रक्त जी। अब इसको ठंडा ज्यादा पसंद है, और ये हम लोग इतना टाइम जमीन के नीचे ही थे, वहाँ पे गोडाउन बना है जहाँ पे टाइल पत्थरों का यहाँ पे मतलब सेलिंग होता है, और वो नीचे बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और ऐसे जगह में सांपों का रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें सुकून महसूस होता है। तो देखो सांप अपने बचाव के लिए एक्सीडेंट भी करता है कभी कभी, कि मतलब
तो अभी जितना टेम्परेचर हल्का सा बढ़ता रहेगा, जैसे धूप तेज होता रहेगा, उतने तेजी से इसका घूम गर्म होगा और उसके बाद ये सांप एकदम आक्रामक हो जाएगा। अगे हम अगर 10 मिनट इसको पकड़ के रखें तो उसके बाद ये आक्रामक हो जाएगा। तो फ्रेंड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होता है वो दिन धूप निकलता ही उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होता है, और जैसे ऊर्जा मिलता है तो इनका शरीर गर्म हो जाता है, इनका ब्लड जो होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद ये एक्टिव होना शुरू हो जाता है, उसके बाद ये सांप किसी भी हद तक जा सकता है। तो सांप का ही व्यवहार तो किसी को बाइट नहीं करता है, इत्तेफाक से अगर किसी का हाथ पैर पड़ जाए, कोई भी जीव जंतु हो, व्यवहार तो किसी का बाइट नहीं करता है। अब ये जैसा भी इसको हल्का हल्का गर्मी महसूस हो रहा है, ये धीरे धीरे और तेज हो रहा है। एक मेन रोड के जस्ट बगल में ये भाई का शॉप है और इसके आसपास खेत और खलिया है, वहाँ पे आए दिन स्प्रे या तो कोई भी दवाई का छिड़काव होता है। इस दौरान वो कहीं अच्छा सुरक्षित जगह तो उनको ढूंढने के लिए बेताब हो जाता है, और जैसे उन्हें सुरक्षित जगह मिल जाता है तो वहाँ पे ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी कि ये हाइबरनेशन में चला जाएगा और उसके बाद सांपों को मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सांप थोड़ा कम मिलेगा, और उसी की क्या पता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसी की तैयारी कर रहा होगा। ये देख सकते हैं, जब इससे छेड़छाड़ होता है तब ये एक्टिव होता है, और ये बिना छेड़छाड़ का ये किसी को कभी बाइट नहीं करता। तो आप देख सकते हैं, जब हम इसको टच करेंगे तभी वो अपने फन को फैलाएगा। भागने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मत भागो। तो फ्रेंड, फाइनली इसको कर दें बैक, उसके बाद में रिलीज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, तो सांप का जो आंख होता है, इसके इंसान जैसा कलाकौंस इनके आंखों में नहीं होता है, क्योंकि कलाकौंस वो चीज होता है जो हम विभिन्न कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर या तो कोई भी कलर को हम पहचान सकते हैं, लेकिन सांप कभी किसी कलर को नहीं पहचान सकता है। ये खाली ब्लैकिंग और वाइट चीज को ज्यादा ये फोकस करता है। तो फ्रेंड, अगर आप लोकल के हो तो एक बार ये भाई के शॉप में आइए, टाइल पत्थर का दुकान है ये, और ये शॉप में आप देख सकते हैं। क्या नाम है शॉप का? अन्नपूर्णा। तो यहाँ पे आपको टाइल और पत्थर भी मिल जाएगा अगर आप लोकल के हैं। ये नेतानगर में है, मेन रोड के जस्ट बगल में। तो फ्रेंड, करते हैं फाइनली पैकेज को और उसके बाद नेचुरल हैबिटेट में कर देते हैं। जो डब्बा है, डब्बा पकड़ो, सीधा डब्बा। तो फ्रेंड, जैसे हम सांपों को पैक करते हैं या तो इसको रेस्क्यू करते हैं, तो ऐसा आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमें भी सीखने में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि सही प्रशिक्षण अगर किसी को प्राप्त ना हो तो ऐसा करना भी बेकार है, नहीं तो किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। फाइनली हमारा हो चुका है पैक, अभी हम जाएंगे नेचुरल हैबिटेट में, उसके बाद इसको कर देंगे फाइनल राउंड। तो फ्रेंड, अभी जो सांपों को हमने रेस्क्यू किया, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को जंगल में आने में कम से कम 15 मिनट लग गए, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, सांपों का भी निकलना लाजमी है, और सांप को पकड़ के कभी आधा घंटा एक घंटा अपने पास में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में हम पहले से ही इसको 8 होल बना लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर कोने में होल होता है ऑक्सीजन के लिए, और इसको प्रॉपरली इसको ठंडक मिलता रहे। तभी यहीं पे करके रिलीज नेचुरल हैबिटेट में। देख सकते हैं आप, बहुत ही खतरनाक सांप। और अभी इसको हम रिलीज करने वाले हैं नेचुरल हैबिटेट में। तो फ्रेंड, अगर आप भी हमारे जैसे जीव जंतु से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बगल में बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी करते हैं यहाँ पर रिलीज। तो जंगल में रिलीज कर दिया यहाँ पे। तो फ्रेंड,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।